أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में इंशाअल्लाह हम बयान करेंगे क्या मुहर्रम में हम बिस्तरी कर सकते हैं। तो आपके इस सवाल के जवाब में आपकी खिदमत में गुजारिश करता चलूँ कि ये हम बिस्तरी करना जो है माह मुहर्रम के अंदर कोई शरी हवाले से हराम नहीं है, कोई शरी हवाले से इसे मना नहीं किया गया, ममनू नहीं है, बल्कि एक जायज़ काम है। जो मियाँ बीवी हैं वो हम बिस्तरी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखें कि एक मिसाल के जो है ज़रिए आपको बात जो है वो वाज़े कर देता हूँ कि मिसाल के तौर पर अगर किसी के ख़ानदान में कोई इंतकाल कर जाता है तो वहाँ पर कोई भी शख्स जो है वो इस तरफ मुतवज्जे नहीं होता, वो बल्कि उसके इंतकाल में, उसकी जुदाई में जो है, उसके गम में जो है वो मुबतला रहता है। तो फरमाने मासूम के मुताबिक जो हमारे चाहने वाले हैं, जो हमारे शिया हैं, जो हमारे मानने वाले हैं, वो हमारी खुशियों में खुश होते हैं और हमारे दुखों में गमगीन रहते हैं। तो यहाँ पर ये सवाल है कि ये माह मुहर्रम और माह सफ़र जो है ये अहल बैत के ऊपर जो है ज़्यादा से ज़्यादा मुसीबतें आई हैं, तो ये अय्याम हज़ा हैं, इनमें कोशिश करें अखलाकी हवाले से जो है इंसान बिलखसूस मुहर्रम के जो पहले 10 दिन हैं वो जो है इस चीज़ से इज्तनाब करें। बाकी शरी हवाले से कोई इसका जो है वो ममनू नहीं है, मना नहीं किया गया, इंसान जो है हम बिस्तरी कर सकता है, लेकिन अखलाकी हवाले से मुनासिब नहीं है। आप तमाम मोमिनीन की खिदमत में मुल्तमिस हूँ, दुआ में याद रखेंगे। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।